हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिरी पाए। एक सिरी है फ्रेश एकदम, ये मैंने बुच्चर से कटवा ली है। आइए शुरू करते हैं सिरी पाए बनाने की रेसिपी। इसमें मगज भी होगा पर मगज हम अलग से पकाएंगे। ये हमारे चार पाए हैं और ये एक सिरी है बकरे की। इस रेसिपी को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप कुछ भी इसमें पूछ सकते हैं। आइए शुरू करें। अगर एक प्रेशर कुकर ले लें, उसमें दो जग पानी के, पीने वाला पानी। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर लिया हमारी सिरी। ये हमारी सिरी है और इसमें हम ऐड करेंगे हमारे पाए। एक सिरी और चार पाए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे चारों पाए। बहुत टेस्टी और बहुत फेमस रेसिपी है सिरी पाव। अब इसमें हमने दो मोटे कटे हुए प्याज और लहसुन साबुत छिलका उतार के डाल दिया है। अदरक भी डाल देंगे। अभी हम तैयार करेंगे नहीं पाव का तड़का। हमने दो बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के, उसमें चार बारीक लच्छा कटे हुए ऑनियन, हमने गोल्डन ब्राउन तक पकाना है। गोल्डन ब्राउन करना है इस तरीके से। ये देखिए, जब इस तरीके से हमारे प्याज हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे, ये हमारे सिरी पाए का मसाला है, शेफ स्पेशल सीक्रेट मसाला। ये हमने डाल दिया मसाला। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लंबे मोटे मोटे काट के। ये हमने ऐड कर दिया सिंह। ये हमने शोरबा टाइप चटनी टाइप हो जाता है। हमारा मसाला सिरी पाव का रेडी। अब हमने इसमें पाए डाल दिए हैं जो हमने प्रेशर कुकर में बनाए थे, वो अच्छे से पक गए हैं। तो उसके पानी को भी हम डाल देंगे। ये देखिए किस तरीके यूज़ करना है जो हमने सिरी पाए बनाने समय यूज़ किया था। उसके बाद लच्छा कटा हुआ अदरक धनिया, जितना धनिया हो सके डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए, अब इसको कम से कम 30 मिनट तक इसी मसाले में पकाएंगे स्लो गैस पे, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और सिरी पाव उसका टेस्ट चला जाए। ये देखिए इस तरीके से, देखिए हमारे सिरी पाए बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा, ये हाँ जी हमारे पकौड़े सिरी पाव का बहुत अच्छे पक गए हैं। यम्मी है और एकदम चिपकता हुआ जो टेक्सचर होता है वही। थैंक यू।